राज्यसभा चुनाव के रण में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के शिविर का आज अंतिम दिन है। आज विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट कैसे किया जाता है, इसके लिए मॉक पोल करवाया जाएगा। विधायकों को पहले ही बताया जाएगा कि किस विधायक की पहली प्राथमिकता संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल होंगे और किस विधायक के नीरज डांगी, उसी के तहत मॉक पोलिंग भी करवाई जाएगी। मॉक पोल आज दो चरणों में करवाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 12 से 2 बजे तक के लिए मॉक पोल हुआ है, तो वहीं दूसरे चरण में शाम 6 से 8 बजे तक के लिए मॉक पोलिंग किया जाएगा। कल सुबह 9 बजे तक किसी भी विधायक को होटल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी विधायक को अत्यंत आवश्यक कार्य होगा तो वो पास के द्वारा ही बाहर जा सकेगा। सभी विधायक शुक्रवार को मतदान करने सीधा विधानसभा पहुंचेंगे। वहां राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले आज कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता भी रिजॉर्ट में दिखाई देंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए बाड़ेबंदी का आज आखिरी दिन है। इसी बीच में कांग्रेस की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए आज विधायकों को मॉक पोलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दो चरणों में इसे डिवाइड किया गया। पहला चरण 12 से 2 बजे तक आयोजित किया गया विधायकों के लिए और दूसरा चरण जो है वो 6 से 8 बजे तक आयोजित होगा। कल सुबह 9 बजे तक किसी भी विधायक के होटल से बाहर निकलने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध होगा। इसके बाद सीधा विधानसभा पहुंचेंगे, वहीं पर मतदान होगा और शुक्रवार शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, 12 से 2 बजे जो मॉक पोलिंग का पहला चरण था वो पूरा हो गया, उसके बारे में क्या अपडेट है, साथ ही में आगे की पूरे दिन की क्या रणनीति रहेगी आज कांग्रेस खेमे के लिए? बिल्कुल, देखिए जयती, आज कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मॉक पोलिंग की प्रक्रिया हुई है, जिसके तहत सभी जो विधायक हैं उनको मॉक पोल के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। मॉक पोल के तहत इस तरह से कल राज्यसभा के जो मतदान होगा तो उसके लिए कैसे अपने मत का इस्तेमाल करें, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अधिकांश जो पहली बार विधायक हैं वो जीत कर आते हैं, कई बार जीते हुए भी जिनको भी कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसके लिए पहले से प्रशिक्षण दिया गया है, किसी तरह के कोई मतदान में दिक्कत ना हो, किसी कोई वोट रिजेक्ट ना हो जाए, उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पूरी तरह मुस्तैद है। आज सभी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दो चरणों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। 12 से 2 बजे तक कुल 60 मेंबर हैं, विधायक हैं, उनको इस प्रशिक्षण मॉक पोल के तहत दिया गया है। जी। तमाम पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने खुद उनका बैलेट पेपर जो मत है वो देखा है कि किसको वोट किया है, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने वोट किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिखाकर ही पेटी में उन्होंने वोट डाला। तमाम जो मंत्री हैं, देखिए दो उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, तो जिन ये भी तय किया है कि किन विधायकों को संगठन महासचिव को वोट कास्ट करना है और किन को वेणुगोपाल को, दूसरे जो उम्मीदवार है नीरज डांगी उनको वोट करना है। जी। तो अभी 12 से जो दो मॉक पोलिंग हुई है उसमें जिन विधायकों को संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल उनको वोट कास्ट करना है, उनको इस प्रक्रिया के तहत 12 से 2 बजे तक रखा गया था। सभी मंत्री, ये तय हुआ कि सभी मंत्री हैं वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, उनको वो वोट कास्ट करेंगे, साथ ही जो अन्य वरिष्ठ विधायक हैं उनको, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं राज्यसभा उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल उनको वोट कास्ट करेंगे, और अधिकांश जो विधायक उनकी कैटेगरी तय की है उसके अकॉर्डिंग वो नीरज डांगी को वोट कास्ट करेंगे। उनकी मॉक पोलिंग अब शाम को 6 से 8 बजे तक होगी। जी। पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां बैठे, जब मॉक पोलिंग हुई तो जिन भी विधायकों ने वोट कास्ट किया तो सबके उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिखाकर ही पेटी में अपना मत डाला, और इस तमाम जो विधायक हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पूरी तरह से, अभी फिलहाल होटल से बाहर निकलने की किसी तरह की कोई अनुमति किसी को नहीं है। जी। कल जब मतदान होगा, मतदान से पूर्व तमाम विधायकों को यहाँ से बस के द्वारा विधानसभा ले जाया जाएगा। जी दिनेश, तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस खेमे का जो पूरा फोकस है वो इस चीज पर है कि विधायकों को वोट कास्ट करने में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और विशेष तौर पर उन विधायकों को जो पहली बार चुनकर आए, इसलिए मॉक पोलिंग की पूरी प्रक्रिया हो गई है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दिनेश।